शिवपुरी के बदरवास तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम बामोर में उचित मूल्य की दुकान का सेल्समैन दिन दहाड़े गेहूं की कालाबाजारी कर गेहूं बेचने ले जा रहा था। तभी कुछ ग्रामीणों ने उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी, जिससे उसने गेहूं वापस दुकान में रख दिए। और जब ग्रामीणों ने सेल्समैन की शिकायत करने की बात कही तो सेल्समैन उन्हें मारने की धमकी देता नजर आया। जी हां, ग्राम बमोरा में उचित मूल्य की दुकान का सेल्समैन इसी तरह गरीबों के हक पर डाका डालता रहा है। और इस बार जब ग्रामीणों ने कालाबाजारी करते हुए वीडियो बना लिया तो सेल्समैन मारने की धमकी देता है। सेल्समैन की दबंगाई के चलते ग्रामीणों ने कई बार राशन न मिलने की शिकायत से अधिकारियों को अवगत भी कराया, लेकिन मिलीभगत के चलते कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं ग्रामीणों ने तुरंत बदरवास तहसील में पहुंचकर कलेक्टर के नाम तहसीलदार को आवेदन दिया और बताया कि बामोर का सेल्समैन समय पर राशन नहीं देता है और जब शिकायत करने की बात की जाती है तो मारने की धमकी देता है। कंट्रोल के गेहूं खाली रहते, कट्टन से खाली ट्रॉली में बेच भी जा रहे थे या कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे पता नहीं है। हमने वीडियो बनाई तो वो कह रहा है भोपाल वाले भी खकल लेंगे। जब से तुम कर रहे हो 7 तारीख से गेहूं नहीं बैठे, जब से ये पहली चोरी है क्या? इससे पहले और भी चोरी हो चुकी है यहाँ पे? पहले से भी हो रही, मतलब हमने जानकारी नहीं कर पाई थी, आज पकड़ाई नहीं आए तो आज हमें पता चला। तो यहाँ ग्रामीणों को राशन से वो सामान मिलता है कि उनको भी ऐसे ही अधूरा मिलता है? कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी महीने का मिलता ही नहीं है। तो पूरा राशन अभी तक नहीं मिला आपको? इससे पहले आपने शिकायत की है कहीं पे? कई बार की है। कहाँ शिकायतें की आपने? क्या की थी तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, तहसील में भी की तो वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हम तो शिकायतें ही कर सकते हैं साहब, और क्या कर सकते नहीं। जो वीडियो आया है देखा मैंने उसको, तहसीलदार साहब को भी लोगों ने उसमें रिप्रेजेंट किया है, तहसीलदार के बदरवास के नॉलेज में है, हमारे GSO के नॉलेज में भी है और GSO उसके संदर्भ में जाँच कर रहे हैं। लेकिन सर, ये कैसे संभव है कि बाकी ग्रामीणों ने जब वीडियो बनाया तो कंट्रोल संचालक ने माल वापस दुकान में रख दिया, इसका क्या मतलब है? इसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते कि क्या होने वाला था, क्या कर रहा था वो। वीडियो को देख के तो लगता है कि गलत कर रहा था, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा किया है उसने तो गलत किया है, वो तो खाद्यान्न पब्लिक को बांटने के लिए है, वो तो SDM साहब के यहाँ जो प्रतिवेदन जाँच हमारे इंस्पेक्टर साहब देंगे वहाँ पे कोलारस वाले, उसके आधार पे SDM को कार्रवाई करनी है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए शिवपुरी से दीपक अग्रवाल की रिपोर्ट। श्रीमान जी से निवेदन है, ग्राम पंचायत बामर कंट्रोल पर सेल्समैन द्वारा कंट्रोल का अनाज बेचता है और पता है जनता को कम अनाज देता है और धमकी भी देता है, कहीं भी चले जाओ कुछ नहीं होगा और लौट कर आओ मैं आपको बताऊंगा। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि सेल्समैन पर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें।